प्रभु श्री राम ने वनवास के वक्त अपना समय इधर ही व्यतीत किया। तो पंचवटी को पंचवटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको इधर घुटने पे बैठ बैठ के जाना पड़ेगा। मैं हूं मनीष बाने एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रॉक्स टूरिज्म। तो दोस्तों आज का ये अपना नासिक सीरीज का फोर्थ एपिसोड है और यही अपना लास्ट एपिसोड रहने वाला है। और ये एपिसोड में हम कालाराम मंदिर, सीता गुफा और गोरेराम मंदिर, ये तीनों स्पॉट्स एक्सप्लोर करने वाले है। तो ऐसे ही वीडियो पे बने रहिए। आज के इस व्लॉग में बहुत ही दोस्तों मजा आने वाला है और इसमें मैं ये तीनों स्पॉट्स की सारी स्टोरीज भी आपको बताने वाला हूँ। तो ऐसे ही वीडियो पे बने रहिए। रहा मेरे सामने दोस्तों श्री कालाराम मंदिर। और कालाराम मंदिर में जैसे हम प्रवेश करते हैं, ये सामने श्री हनुमान मंदिर लगता है। और ये हनुमान मंदिर का सभा मंडप है। जय श्री राम। दोस्तों ये मंदिर में श्री राम जी की काले रंग की मूर्ति है, इसलिए काला राम कहा जाता है। और ये सुनहरे रंग का घूमट मंदिर की शोभा और बढ़ा रहा है। प्रभु श्री राम ने वनवास के वक्त अपना समय इधर ही व्यतीत किया। 1930 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलितों के लिए ये मंदिर खुला किया और उनकी वजह से आज सभी कास्ट के लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते। राम जन्माष्टमी के टाइम यहाँ पे बहुत ही भीड़ रहती है। गणपति बाप्पा मोरिया। 1788 के वक्त रंगराव जी ओडेकर ने मंदिर का जीर्णोद्धार किया। 2000 साल पहले राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की मूर्तियां गोदावरी नदी में मिली थी, तो इन्हीं का ये मंदिर बनाया गया है। और कालाराम मंदिर की कुछ ऐसी कहानी है। उस वक्त असुर साधु और जनता को बहुत ही परेशान करते थे। जब साधु और संत यज्ञ करने बैठते थे तभी वो बीच में ही व्यत्यय लाते थे। इसलिए प्रभु श्री राम जी ने अपना काला रूप धारण करके सारे असुरों का सर्वनाश किया और सभी लोगों को असुरों से मुक्ति दी। जय श्री राम। चलिए दोस्तों अभी अपना कालाराम मंदिर विजिट करके हुआ है, अभी हम गोरेराम मंदिर और सीता गुफा विजिट करके आते हैं। और दोस्तों अभी हम गोरेराम मंदिर में आ चुके हैं। ये कालाराम मंदिर के बाजू में ही है, थोड़ा 2 मिनट चल के ही आपको ये मंदिर दिख जाएगा। 14 साल वनवास करने के बाद जब राम अयोध्या गए थे तभी वो पहले इस जगह पे ही ठहरे थे और यही है वो गोरेराम मंदिर। प्रभु श्री राम ने पत्तों की पर्णकुटी यहाँ पे ही बनाई थी और कुंभ मेले के समय गोरेराम मंदिर का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। हनुमान ने श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पे लिया है। तो गोरेराम मंदिर के बाजू में ही
ये सीता गुफा है, जिसे कहा जाता है सीता पर्ण कुटीर। दोस्तों पंचवटी को पंचवटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 5 वट वृक्ष है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पहला वट वृक्ष है, यहाँ पे सेकेंड वट वृक्ष है, ये देखो यहाँ पे थर्ड है, यहाँ पे फोर्थ वट वृक्ष है, और सीता गुफा के बिल्कुल पीछे जो पेड़ है वो है पांचवा। तो चलिए दोस्तों अभी सीता गुफा के अंदर जाके आते हैं। वैसे दोस्तों आज वर्किंग डे है इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है, पर जब हॉलीडेज रहते हैं वीकेंड पे बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे। ये देखो दोस्तों ये है प्रभु श्री राम लक्ष्मण और बीच में है शबरी जो बोर खिला रही है श्री राम जी को। आपको ये स्टोरी मालूम ही रहेगी। गणपति बाप्पा मोरिया। बहुत ही छोटी गुफा है दोस्तों। आपको इधर घुटने पे बैठ बैठ के जाना पड़ेगा। सीता गुफा के ठीक सामने ही यहाँ पे सीता संसार का एग्जीबिशन है। यहाँ पे 1 रुपए का एंट्री फी लेते हैं और अंदर पूरा सीता संसार दिखाते हैं। तो चलिए अब हम अंदर चल के देखते हैं।
अभी अपने तीनों स्पॉट्स कवर करके हो चुके हैं और ये अपना नासिक सीरीज का लास्ट एपिसोड था जो कि था फोर्थ एपिसोड और वो भी आज दोस्तों खत्म हुआ है। तो आपको ये पूरे सीरीज में जो भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो और अगर ये चारों एपिसोड्स आपको पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। तो ऐसे ही आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।